मैं डॉक्टर अधेश सिंह आपका अधेश अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी हमारे एम्बिशन होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, लेकिन हम चीज़ें कर नहीं पाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि जब काम करने की बारी आती है तो हमें लगता है यार इसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। दोस्तों, कबीरदास जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है बहुर करे गो कब। कहने का मतलब ये है कि कल जो करना है उसको आज करो, आज जो करना है उसको अभी करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एक मिनट बाद क्या होने वाला है। कभी भी प्रलय हो सकती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि हमको हर काम को तुरंत करना चाहिए, लेकिन लोग उल्टी तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि जो भी काम होता है वो पिछड़ता चला जाता है और नंबर ही नहीं आता और काम कभी पूरा ही नहीं होता है। लोगों के पास बड़े सारे कारण होते हैं काम को पोस्टपोन करने के। सबसे बड़ा कारण होता है आलस, करने का मन नहीं है, बस मूड नहीं है, सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा, अंदर बहुत सारे छुपे हुए कारण भी रहते हैं, जैसे उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि जो काम करेंगे वो सफल होंगे। उसमें काम करने में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लग रहा है, तो आप काम नहीं करेंगे। फिर कई बार हम इसलिए काम नहीं करते हैं, काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो काम ना करो तो क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हमें यह डर रहता है कि अगर हम डिसीज़न लें तो वो गलत ही डिसीज़न होगा, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, तो हम सोचते हैं डिसीज़न ले ही ना तो गलती कहाँ से होगी। उसी तरह कई बार हमें लगता है कि हम कुछ डिसीज़न लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा या हमें बहुत सारे तकलीफ़ हो जाएगी, और इस चक्कर में हम कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। बहुत सारे बहाने हमारे पास रहते हैं, जैसे हम कई बार ये कहते हैं कि बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, क्या करें। अब जैसे आपको जिम जाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, मैं लोगों से बात करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं यार समय ही नहीं है, सुबह से शाम तक काम ही काम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो क्या आधे घंटे अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, बहाने हैं। उसी तरीके से कई लोग कहते हैं साहब बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा टेंशन है, इस टेंशन में मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं टेंशन बढ़ा नहीं सकता, इस चक्कर में लोग काम नहीं करते हैं। कई बार कहते हैं इसमें बड़ा खतरा है, कई बार ये कहते हैं इसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, इस चक्कर में डिसीजन नहीं लेते। कई लोग कहते हैं मुझे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं ऐसे काम करने का, इसलिए मैं नहीं करना चाहता ऐसे। कई लोग कहते हैं कि आई एम टू ओल्ड, मेरी इतनी उम्र हो गई, अब क्या मेरी काम इस तरीके के नए काम करने की उम्र है। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो भाई बहुत यंग हूँ, मुझे तो लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे सैकड़ों बहाने लोग ढूंढ लेते हैं काम को ना करने के। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप काम को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, तो सही समय कभी आता ही नहीं है, ऐसे ज़िंदगी निकल जाती है। तो हम अपने को ये समझाते रहते हैं कि हम जब सही समय आएगा तो हम काम करेंगे, और चूंकि वो सही समय कभी आता नहीं है इसलिए कभी काम नहीं करते और हम जहाँ हैं वहीं पर पड़े रह जाते हैं। और एक स्कॉलर हैं विलियम जेम्स, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ हमें थकाती नहीं है जितना कि एक जो अनफुलफिल्ड गोल रहता है, जो हम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, वो हमें जितना थकाता है उससे ज़्यादा हमें कोई चीज़ थकाती नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई काम करना है, आपके दिमाग में लगातार है कि भाई मुझे ये काम करना है, आपके सर पे वो पड़ा हुआ है, और आप उस काम को नहीं करते हैं, तो बिना कुछ किए हुए ही आप थक जाते हैं, क्योंकि उसका विचार ही आपको थका देता है। आप उस काम को करके जब ख़त्म कर देते हैं तो आप बड़ी राहत की सांस लेते हैं, बड़ा लाइट फील करते हैं। इसलिए इस कारण से भी आपको ये काम करना चाहिए। अब मैं आज आपको 10 टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करें तो आप जो आपकी हैबिट है पोस्टपोनमेंट की, प्रोक्रास्टिनेशन की, हर चीज़ को कल के ऊपर टालने की, वो आप उससे काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अपने गोल्स को आप निर्धारित करें। आपको अगर यही नहीं पता कि आपको करके पहुँचना कहाँ पर है, आपको जर्नी अगर आप करना चाहते हैं, गाड़ी निकालते हैं और आपको यही नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो नेचुरली आप गाड़ी को दोबारा पार्क कर देंगे, गाड़ी को लेके आगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप ये निर्धारित करें कि आपको पहुंचना कहाँ है, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप पहुंचना कहाँ है, तब तक आप कभी भी अपनी जर्नी शुरू नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी हम ये डिसाइड करें कि मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले हर एक चीज़ का एक डेडलाइन कर दें कि ये काम मैं 2 दिन में करूँगा, ये काम मैं 1 हफ्ते में करूँगा, यहाँ तक मुझे 1 महीने में पहुँचना है, यहाँ तक मुझे 6 महीने में पहुँचना है, यहाँ तक मुझे 1 साल में पहुँचना है। एक अपने दिमाग में एक डेडलाइन रखें, और जब आप डेडलाइन दे देते हैं तो नेचुरली आप अपने को थोड़ा सा प्रेशर में लाते हैं और थोड़ी सी अपनी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है,
और फिर आप उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फिर आपके अंदर एक अर्जेंसी आ जाती है कि मुझे इसको तुरंत करना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप फ्यूचर में विजुलाइज करें कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको क्या नुकसान होगा। ये दोनों चीज़ें आप जो विजुलाइज करते हैं कि मैं इस काम करने का मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, दूर तक का सोचें, 5 साल 10 साल 15 साल, ये ना सोचें कि मुझे अभी तकलीफ़ क्या होने वाली, ये सोचें कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ वो दोस्तों होती है कि हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें बड़ी घबराहट होती है। जैसे 1000 पन्ने की किताब आपको अगर पढ़नी हो तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ी मोटी किताब है, कैसे ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप ये गोल बनाएं कि आपको रोज़ 50 पन्ने पढ़ने हैं तो बड़े आसानी से आप उस किताब को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि 20 दिन के अंदर अगर आप 50-50 पन्ने रोज़ पढ़ेंगे तो 1000 पन्ने की किताब भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको 1000 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप सोचेंगे हम 10 किलोमीटर रोज़ पैदल चल के जाएंगे तो आप 1000 किलोमीटर की जर्नी भी आसानी से 100 दिन के अंदर पूरी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो बड़ा गोल है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए वो गोल आसान लगने लगता है, और जब चीज़ आसान लगने लगती है तो आपको उसको पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाँचवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो हमारा डर है उसको हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करें। देखिए, डर हमेशा रहता है। आप घर से बाहर निकलते हैं तब डर रहता है एक्सीडेंट का, घर के अंदर रहते हैं तब भी डर रहता है भूकंप आ गया तो क्या होगा, अगर आप कोई काम करते हैं तो डर रहता है, काम ना करते हैं तब भी डर रहता है। तो इस डर को आप अपने फ़ायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये काम ना करने से आपका नुकसान कितना होने वाला है। अगर आप नुकसान काम ना करने के बारे में सोचेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मुझे ये काम करना है, क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। जब आप इस तरीके से सोचते हैं कि काम करने की वजह से जो नुकसान हो उससे ज़्यादा काम ना करने वाला नुकसान है, जब आप अपने को इस बात में कन्विंस करा देते हैं तो यही डर आपको आगे लेके जाता है और आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। छठी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम काम करना चाहते हैं कोई, तो हमें तो ये नहीं पता रहता है कि हम सफल होंगे या असफल होंगे, फिर हमारे दिमाग में डर आ जाता है कि कहीं हम फेल हो गए तो क्या होगा, और इस डर की वजह से हम काम नहीं कर पाते हैं। और इस डर से बचने का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा रास्ता दोस्तों क्या होता है कि हमने जो अपने विगत दिनों में, पिछले दिनों में जो हमने सफलताएं हासिल की हैं उसके बारे में सोचें, और फिर ये हम समझें कि जब हम पहले सक्सेसफुल हुए हैं, लगातार सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम आगे भी सक्सेसफुल होंगे। उससे आप अपना मोटिवेशन लें और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम ग्लोरी के बारे में सोचें। आप सोचिए कि जैसे आप अगर IAS अधिकारी बन गए, आप एक टॉप इंडस्ट्रीज बन गए, आप IIT में चले गए, आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, एक मैनेजमेंट कॉलेज में चले गए, आपको एक अच्छा जॉब मिल गया, तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, लोग आपको कितनी तारीफ करेंगे। आप उसके बारे में सोचें। जब आप ग्लोरी के बारे में सोचते हैं तो नेचुरली आपके अंदर से एक एनर्जी आने लगती है। अगर आप फेल होने के बारे में सोचेंगे तो आपको डर आता है, लेकिन जब आप उन्नति के बारे में सोचेंगे तो आपको एक अंदर से इच्छा होती है कि मैं भी इस चीज़ को पा जाऊँ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्लोरी के बारे में सोचें, अप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट के बारे में सोचें, बजाय इसकी कि डर के बारे में सोचें। आठवें एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आप कुछ भी जब अचीव करते हैं तो अपने को रिवॉर्ड करें, अपने को तारीफ करें। जैसे आपने एक छोटा ही मकसद हासिल किया, आपने मैथमेटिक्स का एक सवाल ही मान लिया सॉल्व किया डिफिकल्ट, तो आप अपने को कॉम्प्लीमेंट करें कि चलो बकअप, तुमने बहुत अच्छा काम किया। या थोड़ा सा कोई एक गोल अचीव करें, किसी एग्ज़ाम में अच्छा करें, तो आप अपने को ट्रीट दें, चाहे छोटी सी ट्रीट दें, बढ़िया सी खाना खाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, अपने को रिवॉर्ड करें, अपने को गिफ्ट करें। जब आप अपने को रिवॉर्ड करते हैं तो आप देखेंगे आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड की तरफ जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। उसके बाद में दोस्तों नवी चीज़ है कि हमें बहादुरी के साथ में काम करना है। दोस्तों जैसे कि अगर हम मैदान में रहते हैं, लड़ाई के मैदान में रहते हैं, और अगर डर से हम पीठ दिखा के भाग जाएं, तो हमें पूरी ज़िंदगी कायर कहा जाएगा और वह हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन अगर हम बहादुरी से लड़ें और अगर शहीद भी हो जाएं, तो हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे बारे में अच्छी बातें कहेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम काम करते करते फेल भी हो गए तो भी हमने अपना बेस्ट दिया और लोग इस बात की कद्र करेंगे, लेकिन अगर हम भाग लिए तो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे और हमें वो ज़्यादा शर्मनाक है। तो बहादुरी के साथ में जो भी आपके सामने चैलेंज आते हैं
उसको आप पूरा करें, डरने नहीं बिल्कुल भी। इसलिए जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आता है उसको बहादुरी के साथ सामना करें और डरे नहीं, डर के भागे नहीं, क्योंकि ग्लोरी इज्जत जिंदगी में बहुत ज़रूरी है बजाय इसके कि बेइज्जती के साथ इस दुनिया में रहना। और आखिरी में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी डिसीजन कर लेते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप तुरंत लीजिए। जैसे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो उसी दिन आप बैठ करके पहला लाइन, पहला पैराग्राफ, पहला चैप्टर लिख दीजिए। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं उसी दिन आप अपने को रजिस्टर कर दें। कोई भी आप काम करते हैं उसका जो पहला स्टेप है, चाहे वो जितना भी छोटा हो, उसको आप तुरंत ले लें। आप देखेंगे कि अगला स्टेप लेना आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक्ट नाउ, उसी समय आप पहला स्टेप लें। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं, इसमें 10 टिप्स मैंने आपको जो दिए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो आदत है हर चीज़ को कल के ऊपर डालने की, प्रोक्रास्टिनेट करने की, उससे आप बहुत हद तक मुक्ति पा जाएंगे और फिर आप ज़िंदगी में अपनी ऊंची से ऊंची मंजिल को पाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और अपने विचारों को व्यक्त करें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।